enough. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. तू क्यों नहीं खा रहा है खाना? खाओ सबस। ये खाना नहीं खाता है तभी ये इतना कमजोर हो रखा है। हाँ, खेलने के लिए चाहिए, खाना खाने के लिए नहीं चाहिए। ये दोनों सही है, क्योंकि खाते पीते हैं इसीलिए इनकी हेल्थ ठीक है। उतना ही खेलते हैं और उसी हिसाब से खाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की छोटे छोटे किटन्स के साथ में। आज ये पूरे 2 महीने के हो गए हैं। देखो, और इनको जब हुए थे कितने छोटे से थे, आंख भी नहीं खुली थी, और आज कितना उछल कूद करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों कैसे फाइटिंग कर रहे हैं। अभी छत में इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आ रखी थी, तो ब्रेकफास्ट करके देखो इनको एनर्जी आ चुकी है, इसीलिए इस तरीके से कितना फाइटिंग वाला खेल खेल रहे हैं। ये खेलते जाते हैं, म्याऊं म्याऊं करते जाते हैं। ये बेचारा कालू ना वैसे खेलता तो ये अच्छे से ही है, लेकिन ये ज्यादा ही तरीके से इनको दांत वगैरह लगा देता है, मार देता है खेलते खेलते ही, इसीलिए दूसरे वाले म्याऊं म्याऊं करते रह जाते हैं। ये देखो क्या कर दिया। इस समय यहाँ पर हल्की हल्की धूप आ रखी है छत में, तो सही हो रहा है इन लोगों के लिए भी। बाद में तो ये आराम से घर के अंदर आ जाते हैं। इस टाइम पर छत में रहते हैं, फिर थोड़े थोड़े देर में अंदर आकर के फिर अंदर करते हैं उछल कूद। ये देखो, ये कौन है पीठ पे, ये देखना अभी कौन आएगा। ये देखो, ये ओए म्यू क्या कर रहा है। ये देखो इसको विक्रम पैताल क्यों बनना है भाई तू, है विक्रम पैताल की तरह। देखो कैसे चल रहा है। नौटंकी तो कोई बिल्लियों से सीखे, क्या क्या ड्रामे करते रहते हैं बिल्लियां भी। गोपू भी आ गई ऊपर छत में, अभी तक ये नीचे आ रखी थी ब्रेकफास्ट के लिए, और अभी देखो ये भी आ गई ऊपर। और ये देखो इसको कालू को, ये कर क्या रहा है कालू, फूल क्यों तोड़ रहा है तू? इसने तो सारा फूल तोड़ तोड़ करके ठीक कर दिया। इसको ऐसे प्लांट पर लटकना अच्छा लगता है। गोपी इन लोगों के मुँह हाथ धो रही है, इनको नहला रही है गोपू, और उसको देखो कैसे कर रहा है गोपू के साथ। गोपू तेरे बेबीज 2 मंथ के हो गए। हैप्पी 2 मंथ वाला बर्थडे, हैप्पी 2 मंथ वाला बर्थडे भाई, हैप्पी 2 मंथ वाला बर्थडे। देखो सबके सब, एक को वहाँ हैप्पी 2 मंथ हो रहा होगा जहाँ जा रखा है, और तुम तीनों को यहाँ। ये देखो कैसे लड़ते जाते हैं, म्याऊं म्याऊं करते जाते हैं। करके सब के सब अब देखो धूप में यहाँ पर बैठ गए हैं और यहीं पर खेल कूद वगैरह कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों का तो सही है, एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं और एक साथ अपना 2 मंथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और एक वो वहाँ अकेला होगा। तो यहाँ तो ये लोग कितने खुश हैं। फ्रेंड्स, गोपू एंड सन्स तो ऊपर छत में धूप भी सेक रहे हैं और बच्चे लोग अपना खेल भी खेल रहे हैं। तो क्योंकि मुझे तो धोने हैं कपड़े वगैरह, इसीलिए मैं तो आ गई हूँ नीचे, और अब कपड़े वगैरह धोएंगे। और मौसी ने छिमूल की सब्जी बनाने की कर दी है तैयारी, सब्जी काट रहे हैं मौसी। और हम लोगों का बिजलू तो उठ गया है, और वहाँ जहाँ पर ट्रैक्टर है उस साइड को जा रखा है बिजलू। तो भाई गोपू एंड सन्स ऊपर हैं, मैं और मौसी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, और बिजलू उधर को चला गया घूमने के लिए। लेकिन बिजलू ने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया, उठा और सीधा चला गया, पता ही नहीं चला कब उठ करके गया, सीधा वहीं पर ही नजर आ रहा है। तो आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ है बिजलू। तो तब तक अपना काम कर लेते हैं, कपड़े वगैरह धो लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कपड़े धोकर यहाँ पर रख दिए सूखने के लिए, अब आराम से यहाँ पर टाइम से सूख जाएंगे, क्योंकि घर के आगे तो छाया वगैरह रहती है तो सूखते नहीं है टाइम से। तो फिलहाल अब यहाँ पर सूखते रहेंगे कपड़े, अपने आप चलते हैं नीचे। दिल्ली के बच्चे यहाँ पर खेल कूद रहे हैं, तो इनको यहीं पर खेलने देते हैं, अपना चलते हैं अंदर। आ गया भाई हम लोगों का बिजलू धूप सेक कर, पहले उठा और डायरेक्ट धूप सेकने के लिए गया, अब आ गया है। लग गई तेरे को धूप? रो तो ऐसा रहा था जैसे कि कितना खाएगा, और तेर से इतना थोड़ा सा भी दूध नहीं पिया गया। ले पी, ऐसे पिएगा? क्या हो गया,
क्या हो गया, क्यों लोटपोट हो रहा है वहाँ पे? और बिजलू वहाँ जाकर के लोटपोट हो रहा है। बिजलू महाराज खाना खाता नहीं है, क्या खाता है? म्याँ म्याँ। सो रहा है क्या, कुंभकर्ण है? क्योंकि आने लग गया है पानी, इसीलिए मौसी ने स्टार्ट कर दिया है गार्डनिंग करना। जब से मम्मी जा रखे हैं तब से हम लोगों ने फूलों में पानी नहीं डाल रखा है, और वैसे मम्मी ने भी तो नहीं डाल रखा था, टाइम हो ही गया है, 3-4 दिन हो गए हैं पौधों में पानी नहीं डाले हुए, इसीलिए अब मौसी ने यहाँ पर शुरू कर दिया है पौधों में पानी वगैरह डालना। तो जब तक मौसी डालेंगे फूलों में पानी, तब तक मैं भरूंगी पानी। वहाँ पर बाल्टी लगा रखी है भरने के लिए, तो मौसी तो कर रही है गार्डनिंग का काम और मैं करती हूँ पानी भरने का। भाई भरने वाला है पानी, तो ले चलते हैं अंदर। ये देखो मॉर्निंग और इवनिंग में आता है ना 2 टाइम पानी, तो स्टोर करना पड़ता है पानी। इसमें तो मैंने ऑलरेडी स्टोर कर दिया, वो वाली बाल्टी भी बाकी है, तो दोनों बाल्टी लेकर के चलेंगे फिर अंदर, उसके बाद सही हो जाएगा मौसी के लिए। कहाँ अटक गया पाइप? अटक गया, लो फंस गया था पाइप। फूलों के पौधों में पानी डालने के बाद से मौसी पहुंच गए हैं लहसुन के खेत में, और अब यहाँ पर मौसी डाल रहे हैं पानी। सही हो रहा है ना लहसुन? और मूली भी होने लग गए, देखो सही से दोबारा लगाया तब जाकर के हो रखी है मूली। और देखो फ्लावर्स वगैरह भी कितने अच्छे लग रहे हैं, एक साइड से फ्लावर्स भी हो गए, इस बार मेहनत रंग लेकर के आ गई है। और ये वाले फ्लावर्स भी हो गए, कल परसों जब देख रहे थे तब तक सिर्फ होने की तैयारी में थे ये वाले फ्लावर्स, जो साल में एक बार होते हैं ठंडियों के मौसम में, और अब हो चुके हैं यहाँ पर फ्लावर्स, सब येलो येलो कलर के फ्लावर हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब गार्डनिंग हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर छत में गोपुलू एंड सन्स के पास में, क्योंकि गोपुलू एंड सन्स है ऊपर छत में और बिजलू तो अंदर सो रहा है, क्योंकि मम्मी नहीं है घर पर, इसीलिए ये वाला काम अब मौसी को करना पड़ रहा है। अदरवाइज मम्मी करते हैं गार्डनिंग का काम, और जब मम्मी नहीं होते हैं और मौसी होते हैं साथ में तब मौसी करते हैं, और अगर मौसी भी नहीं होते ना तो मुझे करना पड़ता ये गार्डनिंग। उठ गया हमारा बिजलू महाराज, क्योंकि फ्रेंड्स अब मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो चुका है, इसीलिए मैं भी आई थी ऊपर छत में, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर इनके जितने भी बिस्तर वगैरह होते हैं सब हम लोग धूप में रख देते हैं, और जब ऐसा थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सोने लग जाता है शाम के समय, तो इनका बिस्तर वगैरह सब अंदर बना देते हैं ताकि ये लोग रात को आराम से सो सके। तो कालू तो यहाँ पर फुदक रहा है, खेल रहा कूद रहा है, और बाकी गोपू एंड सन्स वहाँ चेयर में बैठे हुए, देखो चला गया वो भी वहीं पर, हमारा टस्की भी चला गया वहीं पर, देखते कैसा चढ़ेगा वो, देखो ये चला गया चेयर में। ओ भाई गोपू को भी निन्नू आ रही है। तो फ्रेंड्स गोपू अपने तीनों बेबीज के साथ पर यहाँ पर बैठी हुई है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की, तो भाई थोड़े देर में आ जाना नीचे, जब मन करेगा आ जाना, ठंडा हो रहा है ऊपर। ऐसा हो सकता है हम लोग अगर ऊपर छत में जाए तो ये हमारे पीछे पीछे ना आए, वैसे आते नहीं है, लेकिन हम लोग ऊपर जाते तो फिर उसके बाद हमें देख करके जरूर आ जाते। ये देखो हो गया इन लोगों का यहाँ पर खेल शुरू, कुछ भी दे दो उससे खेलना स्टार्ट कर जाते हैं ये लोग। ये देखो अब कुछ नहीं, वो डोरमैटी से खेलने के लिए। दो मंथ के हो गए भाई, 2 महीने के हो गए, और इसको देखो भाई साहब क्या कर रहा है तू, ये ज्यादा ही बदमाशी कर रहा है। हाँ So friends, बिजलू और गोपुलू का तो चल रहा है डिनर, और गोपुलू के बेबीज खेल रहे हैं अंदर कमरे में, दूध पी रहे हैं ये लोग यहाँ पे। बिजलू को देखो कुछ खाता पीता नहीं है ना, इसीलिए फिर से उसका पेट देखो हमेशा, देखो गोपुलू अपना छोड़ दिया और हमेशा बिजलू के लिए चले जाते, तभी तो बिजलू को गुस्सा आता है। अपना छोड़ देती है और बिजलू के उसमें चले जाती है, तो बेचारा बिजलू छोड़ करके चला जाता है, तभी
बिजलू को गुस्सा आता है। देखो इन लोगों को, ये लोग कहाँ जा करके बैठे हैं। कालू का दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, इनको और कोई जगह नहीं मिली है। देखो ये दोनों के दोनों यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब ये कोई जगह है खेलने की? सभी डिनर हो गया है और हम लोगों का भी हो गया है डिनर। और डिनर करने के बाद से गोकुलू के बेबीज खेल कूद पर लग गए हैं और बिजलू भी अपना डिनर करके चला गया है। तो अब मैं भी करूंगी अपने ब्लॉग को यहीं प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।